हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं दरवाज़ा बनाने का तरीका पार्ट 4 में। ऊपर हम जो दरवाज़ा है उसके ऊपर 3 मंदिर बनाने वाले हैं। उस मंदिर के लिए देखिए हमें नीचे जाल बना करके एक गिट्टी डाली है। नीचे हमने एक चौकी बनाई हुई है, इसमें हमने जाल बांधा था। उसी जाल से हमने ये सरिये खड़े कर रखे थे, जिसमें हमने पाइप बांध बांध कर ये गिट्टी भरी है। देखिए एक गोल हमारे पिलर बन चुके हैं, वो वहाँ पर देखिए हम भर रहे हैं। अभी नीचे से हमने 6 3 3 सरिया लेकर मोड़ कर इसमें जिस तरह से पैर होता है उस तरह से हमने यह बनाए हुए हैं। इसमें हम गिट्टी सीमेंट भर रहे हैं अच्छे धांस कर, मतलब देखिए सरिये से, जिससे हमारा खाली नहीं रहे। ये हमारी पिलर बन जाएगी तो इसके बाद हम इस पर चारों बगल से ईंटें लगाएंगे, जिससे हम मेरा बनाने के लिए इतने सरिये निकले दिख रहे हैं आपके लिए। देखिए ये हमने मिट्टी से चिनाई की है भैया गुम्मा, ईंटों की चिनाई। देखिए इस पर हम अपनी मेराब बनाएंगे, वो इन्हीं ईंटों के सहारे हम अपनी सेटिंग भी लगा लेंगे, जो उस पर छत डालेंगे पतरी वाली। तो इस पर हमारी ईंटों की सरी हमारी मेराब बन जाएगी, दूसरी छत भी डल जाएगी, हमें अलग से सेटिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अंदर के लिए बाहर के लिए लगानी पड़ेगी, जो थोड़ा थोड़ा 6 इंची करके हम छज्जा निकालेंगे चारों बगल से। देखिए हमारी यह चिनाई पूरी हो चुकी है गुम्मों की, तो इस पर हम मिट्टी लगाएंगे, एक सा करेंगे मिट्टी लगाने के बाद। इससे मिट्टी लगाने के बाद इस पर हम डिजाइन खिंचाएंगे, मतलब अपनी मेराब खिंचा लेंगे किस हिसाब से बनानी है, फिर जाल बांधने की। इससे हमें मिट्टी लगाने से तो ये ईटा निकालने में आसानी हो जाएगी, दूसरी हमारी मेहराब भी बढ़िया एक सी फिनिश निकलेगी अंदर से, जब बन कर तैयार हो जाएगी खिंचाने के बाद जाल बांधने के बाद। देखिए अब हम मेरा बनाने वाले हैं, मतलब खिंचाने वाले हैं, तो उसमें पहले 20 सेंटर ले लिया है। 20 सेंटर से देखिए मैंने सॉल लटका कर इसका 20 सेंटर नीचे तक निकाल लिया है। चारों बगल देखिए हम 20 सेंटर निकाल लेंगे, फिर हम मेरा बनाएंगे खिंचाएंगे इस पर। देखिए हमने ये धागा पकड़ा, धागे से देखिए हमने घुमा दिया परकाल, एक और देखिए हम घुमाएंगे इसमें, डबल धागा घुमाएंगे। जैसे एक लेंगे एक छोटी वाली परकाल, तो उससे हम देखिए घुमा करके अपनी मेहराब बना लेंगे। देखिए हमारी मेहराब का नक्शा बन चुका है। इसी तरह से हमको और भी मेहराब के नक्शे बना लेने हैं। और देखिए हम हमारा जाल बनाना चालू, इस तरह से हम देखिए जाल बांध लेते हैं मेहराब बनाने के लिए। जाल बांधने के बाद इस पर हमने मसाला लगाना चालू कर दिया है।
तो यहाँ मसाला लग चुका है, लगभग फिनिश हो चुका है। इसको हम बिल्कुल साफ सूझ लें, फिनिश बढ़िया कर लेंगे। अब देखिए जो मेरा आपने पहले खिंचाई थी सेम वही नाप रखेंगे, उसी हिसाब से प्रकार घुमाएंगे और मेरा बना लेंगे। देखिए क्योंकि यदि सेम वही नाप नहीं रखेंगे ना तो जो जाल बांधा ना तो उसके सरिये निकल सकते हैं, इसलिए नाप का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, वो हमारी मेरा बनकर तैयार हो जाएगी। मेरा बनाने के लिए हमने ये 2-1 के मसाले का इस्तेमाल किया है। ये 2 तसला बालू डाली है, 1 तसला सीमेंट डाला है, तो बहुत मजबूती से है, मतलब गिट्टी से भी मजबूत रहेगा, क्योंकि जाल बहुत मजबूत बना है ये। और देखिए हमारी मेहराब लगभग बनकर तैयार है, एक मंदिर की मेहराब बन चुकी है। ये हम 3 मंदिर बनाने वाले हैं, 2 छोटे छोटे और बीच में एक बड़ा वाला। देखिए बड़े वाले मंदिर के हम जाल बांधने वाले बांध रहे हैं। जाल बांधते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने मेहराब खिंचाई है उसके अंदर अंदर जाल बांधना चाहिए, यानी जो निशान लगा हो उसके 1/2 इंची अंदर ही होना चाहिए सही आपका निशान से। कुछ सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे कि जो जाल बांधकर हमारा तैयार हो जाएगा तो इसमें भी इसी तरह से मसाला लगाएंगे, छावेंगे और कटिंग करेंगे। देखिए हमारा दरवाजा दिख रहा होगा, हमारा लगभग जाल भी बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से हमें मसाला लगा लेना है, यानी मसाला लगा रहे हैं धीरे धीरे सुखा सुखा करके। जो प्रोसेस हमने पहले वाले मंदिर में किया था कि पहले मसाला लगाया था फिर डिजाइन बनाई थी, मतलब सेम मेरा बनाई थी और फिर कटिंग कर दी थी, वही इसमें भी करना है। अब इतना मोटा मसाला छापने के लिए क्या करेंगे हम कि पहले इस पर चरिया ढक जाएंगे ना, तो उसको हम सुखाएंगे, सूखा मसाला लेंगे उससे सुखाएंगे, वो फिर दोबारा से फिर लगाएंगे, तो इससे हमारा एक लगभग 3 से 4 इंची मोटा मसाला छप जाएगा। तो फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए सेम प्रोसेस में भी किया है हमने, जो पहले हमने जान के चाहिए थी उस हिसाब से हमने खिंचा ली और इसकी कटिंग कर दी है। तो हमारी बड़े वाले मंदिर की भी डिजाइन बन चुकी है, अब आखिरी वाला एक मंदिर रह गया है, तो सेम प्रोसेस में भी करेंगे। देखिए इसका भी जाल बन चुका है, हमारे देखो 3 ही मंदिर बन चुके हैं। इस पर हम सेटरिंग करके मिट्टी डाल करके इस पर हम छत डालेंगे। देखिए इसमें मिट्टी डली दिख रही होगी, इस पर हम रेंडिंग करेंगे, रेंडिंग करने के बाद इस पर हम छत डालेंगे। देखिए रेंडिंग कर रहे हैं, रेंडिंग करने में बहुत कच्चा मसाला इस्तेमाल किया है, ये घोल डालेंगे। ये हम रेंडिंग कर रहे हैं, कच्चा मसाले को घोल डाल रहे हैं, इससे हमारा नीचे से छत जो बिल्कुल फिनिश लिखे साफ। फिर इस पर देखिए हमने आयल और गोबर मिला करके इसको लीप दिया है, यानी पोत दिया है, जिससे हमारा ये नीचे का मसाला निकल जाएगा। देखिए घोल डाल रहे हैं, घोल डालने के बाद
जाल बांधने के बाद देखिए हमने घोल डाल दिया है। अब हम इसे सीमेंट गिट्टी सीमेंट डालेंगे, हमारी छत पड़ जाएगी। ये छत हम बहुत पतला रखेंगे, 3 इंच में ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 इंच के बीच में रखेंगे पतला। छत डालने के बाद इसके ऊपर हम शिखर बनाएंगे छोटी छोटी सी। आप देख सकते हैं हमारी छत डल चुकी है। अभी देखिए हमने इसे घर बनानी चालू कर दी है, एक बंदे की बन चुकी है, दूसरे के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।